सर लोड पर आप सबका स्वागत। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। देखिए इस वीडियो में बात करें, कल के डेट में किसी ने कमेंट किया था जो सर मेरा सिविल स्कोर 819 है लेकिन फिर भी मुझे मोरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग नहीं मिल रहा है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यदि आपको लोन या क्रेडिट कार्ड चल रहा है और रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह लेते हैं, मोरेटोरियम लेते हैं, यदि क्रेडिट कार्ड वालों के लिए तो क्रेडिट कार्ड को इमीडिएटली बंद कर देगा बैंक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि आपका पहले कमेंट देख लेते हैं क्या है। इनका कमेंट है दोस्तों, जो इनका सिविल स्कोर है 819 है और इन्होंने जैसा कि बताया है, इनका जो पेमेंट है लोन का, ये लोन ईएमआई की सितंबर 2019 तक, यानी सितंबर तक पेड है। ध्यान से देखिएगा इसको क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए कमेंट करा पंकज छाबरा जी हैं, ये कमेंट किए इन्होंने, बोला जो 819 है सिविल स्कोर फिर भी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट सितंबर 2021 तक पेड। देखिए रीस्ट्रक्चरिंग और मोरेटोरियम तो ही मिलेगा दोस्तों, जो आप को यदि फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ध्यान सुनेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, लोन की ईएमआई क्या हो गया है, डिफ़ॉल्ट हो गया है और आप पे नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो ही मिलेगा। देखिए आपकी ईएमआई यदि आप कंटिन्यूसली रेगुलरली आप पे कर रहे हो, सितंबर 2021 तक पे कर रहे हो आप, तो बैंक की नज़र में बैंक ये समझती है इसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और सिविल आपका 819 है और यदि आप जैसा बता रहे हो ऐसा है आपका सिविल.com पर, तो काफ़ी अच्छा है और आप इसको मेंटेन करके रखिए और ये आपको आगे चल के काम आएगा। लोन मोरेटोरियम क्या है यार, लोन मोरेटोरियम तो उसके लिए जिसके पास पैसे कोरी नहीं है और वो ईएमआई वगैरह भर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत ही वाली बात है, आप चिंता क्यों कर रहे हो यार। आपका इतना अच्छा सिविल आप क्यों ख़राब करो मोरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग तो उसके लिए है जिसके पास पैसे वगैरह नहीं है, दिक्कत परेशानी है और वो ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं। बिजनेसमैन है, एमएसएमईज वगैरह है जिनका एमएसएमईज और कॉरपोरेट लोग रीस्ट्रक्चरिंग लेते हैं, मोरेटोरियम नहीं लेते वो लोग रीस्ट्रक्चरिंग लेते हैं, समझ रहे बात को। और ज़्यादातर देखना रीस्ट्रक्चरिंग वाला जो केस है दोस्तों, रीस्ट्रक्चरिंग ज़्यादातर केस में एमएसएमई हो गया, कॉरपोरेट हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई जिनका लोन फंसा, काफ़ी ज़्यादा लोन उनका चल रहा है, उस केस में लोग रीस्ट्रक्चरिंग। मोरेटोरियम तो जो रिटेल बोरोवर है वो लोग टेम्प्रोरी रिलीफ है, ये 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, ठीक है, तो आपको इसलिए नहीं मिल रहा पंकज क्योंकि आपकी ईएमआई रेगुलर जा रही है, रिक्वेस्ट है जो आप रेगुलर करते रहिए और चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि आपको पैसे की दिक्कत परेशानी है तो जाके आपको उस केस में मोरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग मिल जाएगा, वो भी उसमें भी बहुत सारे कंडीशन है, मैंने कल के डेट में भी बताया हुआ था काफ़ी डिटेल से, तो वो वाले वीडियो देख लीजिए कल वाला। इसी के साथ वीडियो को करते फिनिश दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जाते जाते बता दें, यदि आपकी ईएमआई रेगुलरली पेड हो रही है और आप फिर मोरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसी के साथ वीडियो करते फिनिश, थैंक यू।